नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। ज्यादा तुर्रम खान मत बनो, बड़ा तुर्रम खान बन रहा है, खुद को तुर्रम खान समझ रहा है। ये डायलॉग आपने अक्सर सुने होंगे। हो सकता है आप भी ये बोलते हो। जब कोई हीरो या रंगबाज बनता है तो उसे तुर्रम खान बोल दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसके नाम पर इतने डायलॉग बन गए, असल में वो कौन था? आज हम आपको असली तुर्रम खान के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि उनके नाम पर इतने मुहावरे और डायलॉग क्यों बने। और आइए अब जानते हैं सबसे पहले कि तुर्रम खान का असली नाम क्या था। आपको बता दें कि तुर्रम खान का असली नाम तुर्रेबाज खान था। जी हाँ, तुर्रेबाज खान दक्कन के इतिहास में एक वीर व्यक्ति थे जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। हैदराबाद लोक कथाओं में एक सकारात्मक कठबोली है तुर्रम खान। जब आप किसी को ऐसा कहते हैं तो आप उसे हीरो कह रहे हैं। यह तुर्रेबाज खान के नाम से आता है। तुर्रम खान का जन्म हैदराबाद के बेगम बाजार में हुआ था। तुर्रम खान बचपन से ही बहुत बहादुर और दुस्साहसी थे। अपने इसी बहादुरी और पराक्रमी प्रवृत्ति के कारण वो सेना में भर्ती हो गए। आपको बताते चलें कि उनके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन वह एक क्रांतिकारी व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हैदराबाद के चौथे निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तुर्रम खान सन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के जाबाज हीरो थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस आजादी की लड़ाई की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर में की थी, उसका नेतृत्व तुर्रम खान ने हैदराबाद में किया था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर से की थी। यह संग्राम की चिंगारी अन्य इलाकों जैसे दानापुर, आरा, इलाहाबाद, मेरठ, दिल्ली, झांसी और भारत के कई जगहों पर फैल गई थी। आपको बताते चलें कि इसी क्रम में हैदराबाद में अंग्रेजों के एक जमादार जिसका नाम चीदा खान था, उसने सिपाहियों के साथ दिल्ली कूच करने से इनकार कर दिया था। तब उसे निजाम के मंत्री ने धोखे से कैद कर लिया था और अंग्रेजों को सौंप दिया, और फिर उन्होंने उसे रेजिडेंसी हाउस में कैद कर दिया था। उसी को छुड़ाने के लिए तुर्रम खान अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए थे। जुलाई सन 1857 की रात को तुर्रम खान ने 500 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रेजिडेंसी हाउस पर हमला कर दिया। और आइए अब जानते हैं कि तुर्रम खान ने रात में हमला क्यों किया था। आपको बताते चले कि तुर्रम खान ने रात में हमला इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि रात के हमले से अंग्रेज परेशान और हैरान हो जाएंगे और उन्हें जीत हासिल हो जाएगी। परंतु उनकी इस योजना को एक गद्दार ने फेल कर दिया। निजाम के वजीर सालार जंग ने गद्दारी की और अंग्रेजों को पहले ही सूचना दे दी। इस प्रकार अंग्रेज पहले से ही तुर्रम खान के हमले के लिए तैयार थे। आपको जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि अंग्रेजों के पास बंदूकें और तोपें थीं, लेकिन तुर्रम खान और उनके साथियों के पास केवल तलवारें। फिर भी तुर्रम खान ने हार नहीं मानी और वे और उनके साथी अंग्रेजों पर टूट पड़े। लेकिन तुर्रम खान और उनके साथी अंग्रेजों का वीरता के साथ सामना करते रहे और हार नहीं मानी। अंग्रेजों की पूरी कोशिश के बावजूद वे तुर्रम खान को कैद नहीं कर पाए। और आइए अब जानते हैं तुर्रम खान की हत्या आखिर कैसे हुई। आपको बताते चलें कि कुछ दिनों बाद तालुकदार मिर्जा कुर्बान अली बेग ने तूपरन के जंगलों में तुर्रम खान को पकड़ लिया था। इसके बाद तुर्रेबाज खान को कैद में रखा गया, फिर गोली मार दी गई और फिर उसके शरीर को शहर के केंद्र में लटका दिया गया ताकि आगे विद्रोह को रोका जा सके। आपको ये बता दें कि जब आप 1857 के बारे में पढ़ते हैं तो दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी और मैसूर जैसी जगहों का जिक्र आता है, लेकिन हैदराबाद का नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि निजाम अंग्रेजों के सहयोगी थे और लड़ने का कोई कारण नहीं था। लेकिन तुर्रेबाज खान के साथ एक संक्षिप्त अवधि आई है जब हैदराबाद संघर्ष विद्रोह में शामिल हो गया। आपको जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि तुर्रम खान वो ऐसे और जाबाज सेनानी थे जिन्होंने कभी अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके। जान दे दी मगर देश से गद्दारी नहीं की और मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हैदराबाद के बेगम बाजार, जो कि उनकी जन्मस्थली थी, वहां उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। आज भी लोग तुर्रम खान की बहादुरी के कारण उनको याद करते हैं और उनके नाम के अक्सर मुहावरे और डायलॉग बोलते हैं। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।
और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।